भी लोगों ने कोशिश की, चाहा कि गाइड को दोबारा बनाए। कभी कभी जो क्लासिक्स होती है ना, उसको रीमेक नहीं करना चाहिए। औरतों को उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं मिलती, आई मीन इन द करियर, और जितने मर्दों को मिलती है। वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान नहीं चाहती कि उनकी क्लासिक फिल्म गाइड का बने रीमेक। एक रीसेंट इवेंट पर जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान वहीदा रहमान ने रिवील किया दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू मेक द रीमेक ऑफ गाइड एंड इवन ट्राइड फॉर इट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। काफी लोगों ने कोशिश की, चाहा कि गाइड को दोबारा बनाए, मगर बहुत लोगों का ख्याल है और मेरा भी ख्याल है, कभी कभी जो क्लासिक्स होती है ना, उसको रीमेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है। क्योंकि वहाँ हॉलीवुड में भी गॉन विद द विंड सोचा लोगों ने, फिर सबने कहा छोड़ दो इसको, टच नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रहने दो। उसी तरह गाइड को भी वैसे ही रहने दें। आपको बता दें कि 1965 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा गाइड में वहीदा रहमान के साथ लेट एक्टर देवानंद नजर आए थे, और 2007 में इस क्लासिक फिल्म की रिलीज के ऑलमोस्ट 42 इयर्स के बाद इसे कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। वेल, इस इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने फीमेल एक्ट्रेसेस को सर्टेन एज के बाद ऑफर होने वाले रोल्स पर भी अपने व्यूज शेयर किए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है। कि एक बार मैंने पढ़ा, मेरिल स्ट्रीप, इतनी बढ़िया अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो भी कह रही थी भाई मुझे कोई अच्छा रोल नहीं मिलेगा, अच्छी पिक्चर नहीं मिलेगी, मैं तो हॉलीवुड छोड़ के चली जाऊँगी। मतलब वो धमकी दे रही थी। ये बात सही है, औरतों को उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं मिलती, आई मीन इन द करियर, और जितने मर्दों को मिलती है, वो बात सही है। वी हैव टू सी के, मगर आजकल चेंज आ रहा है और आता रहेगा। वेल, वहीदा रहमान से पहले एक्ट्रेस नीना गुप्ता, सोनी राजदान और पूनम ढिल्लन भी फीमेल एक्ट्रेसेस को मिलने वाले रोल्स पर इस तरह की बात कर चुकी हैं। फिलहाल वहीदा रहमान बाइलिंगुअल फिल्म डेजर्ट डॉल्फिन पर काम कर रही हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। मैम, आपको अभी हम बैक इन एक्शन देखने वाले हैं इस साल डेजर्ट डॉल्फिन में, कैसे पता चला तुम्हें? ओह माय गॉड, वो तो बस छोटा सा गेस्ट रोल किया मैंने, दैट्स ऑल। बताइए कुछ एक फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा बैक सेट्स में फिर से? एक्चुअली सबसे पहले तो पहली फीमेल डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, और मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि गांव में जाके वो लोग स्केटिंग रिंग बना रहे थे और उन्होंने बना के वहाँ छोड़ा भी है। और अभी आजकल हिंदुस्तान में सब कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और ये भी गांव में करना बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक छोटा सा मेरा रोल था कि कैसे मैं बीइंग ए महारानी ऑफ दैट स्टेट, कैसे उनको लैंड डोनेट करती हूँ इस कॉज के लिए, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा, इसलिए मैंने कर लिया। वॉच ई टाउन न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM ओनली ऑन जूम।